Dear students, myself Dr. Ashish Garg, RL Ruiya, Government College, Ramgarh Shekhawati, Sikar. बच्चों आज हम कार्बोहाइड्रेट्स में फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने इससे पहले 1-9 पार्ट्स, आज हम देख रहे हैं 10वां भाग। तो 10th पार्ट में हम फ्रक्टोज का, ये जो फ्रक्टोज का मैंने फार्मूला बताया था, फ्रक्टोज के फॉर्मूले में हम पाइरेन रिंग के अंदर हम फ्रक्टोज के फॉर्मूले को रखेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह से हावर्थ ने फ्रक्टोज के पाइरेनोस स्ट्रक्चर को लिखा। बच्चों दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज। तो बेसिकली क्या होता है पाइरेन रिंग, मैंने इसको ग्लूकोज में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। दिस इज द पाइरेन रिंग और पाइरेन रिंग क्या होती है, इट्स ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या इट्स ए 5 कार्बन रिंग। यहां पर लिंकेज होती है C2 एंड C6 लिंकेज, यानी किस तरह से हावर्थ ने फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को लिखा। तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो यहां पर C2 पर जो कार्बोनिक ग्रुप होता है उस पर C6 के OH का हाइड्रोजन अटैच होता है और क्या बनता है, हेमी एसिटेट लिंकेज। दिस इज हेमी एसिटेट लिंकेज। तो है C2C6 हेमी एसिटेट लिंकेज। यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, इसी तरह हम इसमें क्या देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इन स्ट्रक्चर्स को हावर्थ ने किस तरह से लिखा। यहां पर दिस हाइड्रोजन शिफ्टेड हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर्म्स बॉन्ड विद दिस C2। तो इस तरह से यहां पर ये हेमी एसिटेट लिंकेज बनती है। बच्चों ये वाला OH CH2OH, दिस इज 2, 1, 3, 4, 5 एंड 6। C3 OH C4 एंड C5 और बाकी हमें कार्बन टेट्रावेलेंट है तो हमें हाइड्रोजन इसमें लिखना है। यहां पर इन दोनों स्ट्रक्चर्स में हम क्या देखते हैं, OH ग्रुप राइट साइड में है, देन दिस इज अल्फा फ्रक्टोज, और यदि OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है देन दिस इज बीटा फ्रक्टोज। अब हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। मैंने ग्लूकोज में इस बात को बताया था कि हावर्थ ने क्या बताया कि दाईं तरफ के समूह नीचे की तरफ और बाईं तरफ के समूह ऊपर की तरफ लिखते हैं। बच्चों अक्सर मैं यहां पर एक रेफरेंस दूंगा IL किनार, यहां पर एक एब्नॉर्मलिटी है, हम अभी इसकी बात नहीं करते। हम क्या देखते हैं C3 में H दाईं ओर का समूह है, C4 में OH, C5 में OH और उसके बाद दो हाइड्रोजन, यहां पर एक और दो हाइड्रोजन, राइट, दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहां पर हम क्या देखते हैं 3 से लेके 5 तक जो दाईं वाले समूह हैं वो तो हमने नीचे की तरफ रखे हैं, लेकिन यहां पर बच्चों ये वाला ग्रुप होना तो नीचे की तरफ चाहिए लेकिन लिखा है हमने ऊपर की तरफ। तो ये इसका एक स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट है
जो आईएस सिन्हा के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है और एक और कार्बोहाइड्रेट्स की बुक है, तो यहां पर ये एक एब्नॉर्मलिटी है कि यहां पर अल्फा फ्रक्टोज में OH ग्रुप ऊपर की तरफ है जबकि ये दाईं तरफ होता है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं बीटा फ्रक्टोज का, तो बीटा फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है उसको हम मैंने पार्ट नाइन्थ में म्यूटा रोटेशन बताया था, तो म्यूटा रोटेशन में मैंने बताया था कि किस तरह से ओपन चैन स्ट्रक्चर से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर को पायरेन रिंग के अंदर रख रहे हैं, राइट। तो क्या बन जाएगा, पायरेनोस। और हम रख किसको रहे हैं, फ्रक्टोस को, तो क्या बन जाएगा, फ्रक्टो पायरेनोस। बच्चों यहां पर वापस एक C2 का ये वाला ग्रुप ने ऊपर रखा है, बाकी वापस H OH OH एंड दिस इज CH2OH, ठीक है। तो आप ये एक यहां पर एब्नॉर्मलिटी है जो बुक्स में एक्सप्लेन नहीं की हुई है, बुक्स में इस एब्नॉर्मलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। और ये आईएल सिन्हा की जो किताब है वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड व्हाटएवर इट इज, उसके अंदर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरह से हम यहां पर फ्रक्टोस के हावर्थ के स्ट्रक्चर को लिखते हैं, एंड दैट इज हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोपायरेनोस। नाउ इसमें एक स्ट्रक्चर और है कि ये जो फ्रक्टोस का स्ट्रक्चर होता है, ये जो फ्रक्टोस का फॉर्मूला होता है, ये मैंने यहां पर लिखा है 1 2 3 4 5 6। फ्रक्टोस के फॉर्मूले को हम, ये है प्यूरीन, राइट, और इसका रिडक्शन करते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है, एनीवे हमें इस रिंग के अंदर इसे रखना है। तो फ्रक्टोस के स्ट्रक्चर को इस रिंग में हम रखते हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्यूरेनोस। अब यहां पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो इसमें जब हम लगते हैं तो क्या करते हैं, यहां पर मैंने बताया हुआ है यहां पर C2 C5, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां पर C2 C5 हेमी एसिटेट लिंकेज, C2 C5 हेमी एसिटेट लिंकेज यहां पर फॉर्म होती है। किस तरह से, दिस हाइड्रोजन शिफ्टेड हियर एंड दिस ऑक्सीजन बॉन्ड विद फॉर्म बॉन्ड विद दिस कार्बन, राइट। अब OH ग्रुप दाईं तरफ है, CH2OH, उसके बाद लास्ट में यहां पर लास्ट में ये H और CH2OH और रिमेनिंग यहां पर हम C3 में लेफ्ट साइड में है एंड C4 में वो इस तरफ लिखा हुआ है। तो दिस इज द, ये क्या बन गया यहां पर हमारा, ये फॉर्मूला हमारा किसका बन गया, दिस इज 4 कार्बन एटम यहां पर है। जैसा मैंने आपसे कहा फ्यूरेन रिंग में 4 कार्बन होते हैं, ये यहां पर है स्ट्रक्चर अल्फा फ्रक्टोज का, राइट। OH, H, OH एंड H, एंड द रिमेनिंग लेफ्ट साइड वाले जो ग्रुप्स हैं उनको हम ऊपर रखते हैं, ये CH2OH, नेक्स्ट OH, यहां पर H और यहां पर CH2OH, इस तरह से अल्फा फ्रक्टोज। और बच्चों इसी स्ट्रक्चर के अंदर एक परिवर्तन क्या है, ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। मतलब यदि इसको हम लिखना चाहें बीटा फ्रक्टोपायरेनोस तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इस तरह से लिखेंगे। तो क्या हो गया यहां पर,
ये लेफ्ट साइड में आ गया यहां पर। ये यहां पर लेफ्ट साइड में आ गया, ये क्या फॉर्मेशन हो गया, बीटा, दिस इज बीटा फ्रक्टो, बीटा फ्रक्टोज का फॉर्मूला हो गया फोर कार्बन वाला, राइट। देखो क्या है कि जब पाइरेन रिंग में रखते हैं तो पाइरेन रिंग में फाइव कार्बन चेन है, और हावर्थ ने जब फ्रक्टोज का पाइरेनोस स्ट्रक्चर लिखा तो उसने क्या किया, उसने इस तरह से परिवर्तन करके ये रिंग स्ट्रक्चर बनाया। लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर लिखते समय हम काम में क्या ले रहे हैं, C2 एंड C5, राइट। यदि OH ग्रुप राइट साइड में है तो वो स्ट्रक्चर होगा अल्फा, और यदि लेफ्ट साइड में है तो वो होगा बीटा। अब देखो हम बीटा बीटा में देखते हैं क्या होता है, बीटा में दिस कम्स हियर दाई तरफ वाले समय CH2OH, देन H, ये जो H है इसी तरह से OH एंड देन H, एंड देन मीनिंग लेफ्ट साइड वाले एटम और ग्रुप है उनको हम ऊपर की तरफ रखते हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बीटा फ्रक्टो फ्यूरेनोज। सिंपल सी बात है, यहां पर सिर्फ इसका फर्क है, यहां पर सिर्फ इसका फर्क है, ये वाला ग्रुप इसके अंदर जब राइट साइड में होता है देन अल्फा, और ये वाला ग्रुप जब लेफ्ट साइड में होता है देन द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा फ्रक्टो फ्यूरेनोज। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है, आपको जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से इनको लिखना आना चाहिए, जिससे आप आसानी से फ्यूरेनेस, फ्यूरेनोस और पाइरेनोस स्ट्रक्चर को, दैट इज फ्यूरन, दिस इज द पाइरेनोस, दिस इज द पाइरेनोस स्ट्रक्चर, तो आप आसानी से पाइरेनोस स्ट्रक्चर और फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर को इससे लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट नोट है जो अक्सर परीक्षा में पूछते हैं, दिस इज द एपिपाइरेशन, एपिमराइजेशन इज द पार्ट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, राइट। मैंने ग्लूकोज में आपको एनोवर बताया था, जब हमने न्यूटा रोटेशन पढ़ा था तो हमने उसके अंदर डायस्टीरियोआइसोमर्स के बारे में पढ़ा था, एपिमर के बारे में पढ़ा था, एनोवर के बारे में पढ़ा था। अभी हम यहां पर फ्रक्टोस में हम पढ़ रहे हैं एपिमराइजेशन। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर दूं कि एपिपाइरेशन पढ़ते समय आप इसको याद रखिए, जीएम, दिस इज जनरल मैनेजर, आप जनरल मैनेजर का नाम ध्यान में रखें, जीएम मतलब ग्लूकोज का मैनोस में परिवर्तन, जीएम से मतलब है G4 ग्लूकोज एंड M4 मैनोस, तो यहां पर ग्लूकोज का मैनोस में परिवर्तन।
इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं। हम ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, दिस इज द फॉर्मूला। This is the formula of glucose. This is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Right? So this is the formula of glucose. और बच्चों मैनोज का फॉर्मूला क्या होता है? This is the formula of mannose. देखो बच्चों यहां पर हम क्या देखते हैं, सिर्फ परिवर्तन किसमें है, यहां पर मैंने कल आपको सॉर्बिटोल और मैनिटोल का फॉर्मूला बताया था पार्ट 9 में कि किस तरह से फ्रक्टोज का हम सोडियम अमलगम से रिडक्शन करते हैं तो सॉर्बिटोल और मैनिटोल का फॉर्मेशन होता है। वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ग्लूकोज के अंदर C1CHO, C6CH2OH और फिर मैंने आपको बताया था C2, 3, 4 एंड 5। ये किसकी पोजीशन थी, पोजीशन ऑफ OH2। यहां पर OH2 की पोजीशन, यानी हमने क्या पढ़ा था यहां पर R L R R। OH2 की पोजीशन कैसी थी, राइट देन लेफ्ट देन राइट देन राइट। तो दिस इज द वी राइट द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब मैनोज का फॉर्मूला लिखते समय क्या करते हैं, C1CHO, C6CH2OH, this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. यहां पर पोजीशन ऑफ OH2, that is C2, 3, 4 and 5. So what we have, क्या चेंज करते हैं यहां पर, this is LLR. This is LLRR. यानी मैनोस में देखो बच्चों ये दोनों में समान है। इन दोनों से क्या मतलब है, OH ग्रुप की पोजीशन C3, C4 एंड C5, 3, 4, 5 ये पोजीशन समान होती है। तो मैनोज का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ यहां पर परिवर्तन किसमें करना है आपको, C2 पर। OH ग्रुप को यदि आपने इस तरफ लिख दिया देन इसी का फॉर्मूला, ये क्या किसका फॉर्मूला हो गया, मैनोज का फॉर्मूला हो गया, राइट। तो हमें एपिमराइजेशन में क्या करना है, ग्लूकोज को मैनोज में परिवर्तन करना है। तो दिस इज द एपिमराइजेशन। नाउ
इसकी परिभाषा जैसा मैंने आपको बताया, विषुवत जितने अल्फा कार्बन परमाणु यानी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। यहां पर ये हो गया अल्फा यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अल्फा कार्बन से मतलब क्या हुआ, ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन। तो वे शक कराएं जो अल्फा कार्बन परमाणु अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्स ओस। व्हाट काइंड ऑफ हेक्स ओस? एल्डो हेक्स ओस। प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज एल्डो हेक्स ओस। तो C2 पर विन्यास में भिन्न होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एपिमर कहलाती हैं। और बच्चों हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फिनाइल हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया पढ़ी है और हमने क्या देखा था, वहां पर C1 और C2 कार्बन ओसाजोन बनाने के काम में आते हैं। हमने ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोसाजोन दोनों की संरचनाओं को पिछले पार्ट्स के अंदर पिछले भागों में हमने पढ़ा है। तो व्हाट इज एपिमराइजेशन? एक एपिमर को दूसरे में परिवर्तन करने की क्रिया एपिमराइजेशन कहलाती है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज एपिमर है। मैं ये जो रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, मैं वापस एक बार आपको बता रहा हूं कि यदि यहां पर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो ये फॉर्मेशन क्या हो गया, मैनोस। सो यू ऑलवेज रिमेंबर, व्हाट यू ऑलवेज रिमेंबर, GM जनरल मैनेजर, मतलब ग्लूकोज को मैनोस में परिवर्तन करना। इट्स वेरी सिंपल। हम देखिए इसकी जो रिएक्शन किस तरह से हम इसको परिवर्तन करते हैं। यहां पर ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर में, दिस इज द ऑक्सीडेशन। ये मैंने आपको भाग दो में चौथी रिएक्शन बताई थी, यानी इसमें कोई रिएक्शन ऐसी नहीं है जो नई रिएक्शन है। ये जो हम इसके चार पांच स्टेप पढ़ेंगे, इन चार पांच स्टेप में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो नई रिएक्शन है। यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, इस जगह, इस पर ऑक्सीडेशन होगा। ग्लूकोज से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड।
इससे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले इसको इस तरह से लिख देता हूं, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, देखो बच्चों इसके अंदर हमें फर्दर नेक्स्ट स्टेप लिखना है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ग्रुप है इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, दिस इज ऑल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड। सो व्हाट्स गोइंग ऑन, शिफ्टेड हियर, फाइन, तो दिस हाइड्रोजन कम्स हियर, ओके, इसमें हम इट इज रिवर्सिबल एंड दिस स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि बुक्स में बड़े ब्रैकेट में से लिखा हुआ है, और बड़े ब्रैकेट में लिखने का मतलब दिस ये स्ट्रक्चर समझाने के लिए है, ये अनस्टेबल होता है। क्या बनेगा यहां पर, ये स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म होगा, फाइन, ये हम इसको लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में। अब वापस जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो रिटेंशन इन द कॉन्फिगरेशन, राइट, क्या होगा, व्हाट वी राइट हियर, बिकॉज इससे इसका फॉर्मेशन और इससे इसका फॉर्मेशन, दिस इज रिवर्सिबल, फाइन। नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं यहां पर, this is going on, this is C2, this is 1, this is 2, 3, 4, 5 and 6, this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6, यहां पर इससे वापस जब ये फॉर्मेशन होगा तो यहां पर क्या होगा, ये 2 का OH ग्रुप जो राइट साइड में था ये लेफ्ट साइड में चेंज हो जाएगा। So this is the formation again, this is the formation of, this is mannoic acid, anyway, I don't write the name, इसको इसको जब स्प्लिट करते हैं तो यहां क्या होता है, लाइक दिस, removal of water molecule and formation of
नाउ आई डिस्कस दिस रिएक्शन. बच्चों हमने इस स्टेप में विद ब्रोमिंग वाटर ऑक्सीडेशन इज गोइंग ऑन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इसका एक किस तरह से उसको लिख सकते हैं इट्स यू नो इसके अंदर कह सकते हैं कॉल्ड टॉटामेरिक देन फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ डाइपोल फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल देन अगेन व्हेन दिस बॉन्ड शिफ्टेड गियर तो यहां पर ये वाला 2 का जो OH ग्रुप है ये 2 का OH ग्रुप इस तरफ आ जाएगा राइट बाकी 3 में जैसा हम चल रहे हैं एज यूजुअल 3, 4, 5, 6 तीनों कार्बन में H और OH की पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसके बाद इसको जब हम गर्म करते हैं तो बच्चों ये अल्फा ये बीटा और ये गामा तो ये जो गामा कार्बन पर OH ग्रुप होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या बनाता है गामा लैक्टोन गामा गामा लैक्टोन बीएससी पार्ट सेकंड में आपने हाइड्रोक्सी एसिड्स पढ़े हैं तो वहां हाइड्रोक्सी एसिड्स में गामा इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है कि जब भी OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के गामा पोजीशन में होता है देन फॉर्मेशन ऑफ गामा इलेक्ट्रॉन राइट दिस इज द करेक्ट एसिड रिएक्शन नाउ दिस गामा इलेक्ट्रॉन फर्दर रिडक्शन विद सोडियम अमलकम देन दिस बॉन्ड इज ब्रेक डाउन प्लस 2H अपचेन होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इस तरह से मैनोज का फॉर्मेशन होता है तो मैनोज में हम क्या देखते हैं C1CHO C6CH2OH और C2345 RRLL राइट साइड देन राइट साइड देन लेफ्ट साइड देन लेफ्ट साइड सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द रिएक्शन हम जो शॉर्ट कोड पढ़ रहे हैं एपिमराइजेशन राइट दैट्स ऑल थैंक यू